नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इनसाइट पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक डीवीडी प्लेयर की, कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है और इसकी वर्किंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डीवीडी प्लेयर था हमने उसको ओपन कर दिया है, पर मैं आपको डीवीडी प्लेयर के बारे में समझाऊं, उससे पहले मैं आपको डीवीडी के बारे में बता देता हूं कि डीवीडी के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। तो पहले तो हमारे डीवीडी के अंदर कुछ डेटा स्टोर नहीं हुआ होता है, पर जब हम अपना डेटा जो होता है उसके अंदर राइट कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये वन है, फिर उसके बाद जीरो, फिर वन, फिर वापिस जीरो, फिर वन। तो इस तरह से हमारा जो पूरा बाइनरी जो होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, वन और जीरोस के फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों, अब हमने अभी तक डीवीडी की बात कर दी कि डीवीडी डिस्क किस तरह से काम होती है, उसके अंदर कौन किस तरह से डेटा स्टोर होता है। अब हम बात कर लेते हैं डीवीडी प्लेयर की। तो दोस्तों, डीवीडी प्लेयर के अंदर मोस्टली तीन यूनिट्स होते हैं, और जो तीन यूनिट्स हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन से यूनिट है। ये एक पावर सप्लाई यूनिट है, ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये रीडर यूनिट है, डीवीडी डिस्क रीडर यूनिट। तो मैं आपको हर एक जो यूनिट है वो अलग अलग से समझा देता हूँ। तो ये जो पावर सप्लाई यूनिट है वो तो हमने आपको जो हमारा चार्जर वाला वीडियो था उसमें भी बताया था कि किस तरह से पावर सप्लाई यूनिट काम करता है, फिर भी मैं आपको थोड़ी बेसिक इन्फो दे देता हूँ। ये जो दो वायर दिख रहे हैं आपको, ये फेज और न्यूट्रल है, फिर उसके बाद फ्यूज़ है, इंडक्टर है, फिर डायोड्स है जो रेक्टिफाई करते हैं, फिर उसके बाद कैपेसिटर है स्मूथ करता है, फिर हम ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, फिर और कुछ थोड़े कैपेसिटर है डीसी को और स्मूथ करने के लिए, और फाइनली हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि किस तरह से ये 5 वोल्ट हमको आउटपुट मिला 220 के अंदर से, तो हमारा जो पिछले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने आपको बड़ी अच्छे से समझाया कि किस तरह से ये पावर सप्लाई यूनिट काम करता है। और जो हमारा जो 5 वोल्ट ये आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डीवीडी डिस्क रीडर की, कि ये किस तरह से काम करता है। तो हमारी जो ये डीवीडी है वो यहाँ लगती है, और उसके बाद इस तरह से रोटेट होती है। तो इसके नीचे यहाँ एक मोटर लगी है, और जो उसकी स्पीड है वो 200 टू 500 आरपीएम होती है, और वो डिपेंड करती है आप कौन सा ट्रैक चला रहे हो, प्रेजेंटली कौन सा ट्रैक चला रहे हो। और उसके बाद आप देख रहे जो मैकेनिज्म है वो पूरा ऐसे लेफ्ट टू राइट हो रहा है, वो ये मोटर की वजह से हो रहा है। और ये पूरा मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग मैकेनिज्म, मतलब आप करंटली आपका लेज़र कौन सी ट्रैक के ऊपर डेटा रीड कर रहा है उसके लिए ये यूज़ होता है ये मैकेनिज्म। ये कुछ इस तरह से होता है हमारी जो डीवीडी होती है। तो जो स्पाइरल फॉर्म में जब वो डेटा रीड करता है तो कुछ इस तरह से रीड होता है। और जो आप ये मैकेनिज्म देख रहे हैं ये लेज़र मैकेनिज्म है, और इसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करता है, लेज़र ट्रांसमिट करता है, और जो लेज़र होता है वो यहाँ जाता है, फिर उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के थ्रू आता है। और जो लेज़र होता है डिटेक्ट करता है वन है या ज़ीरो है, और उसके बाद ये बस है, ये बस के थ्रू हमारे माइक ये प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पास आता है। तो दोस्तों, अब हम इसके जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो चिप है वो मीडियाटेक की MT1389DE चिप है, और इसकी 216 पिन्स हैं, और ये जो है वो USB 2 को सपोर्ट करता है, HDMI 1.3 को सपोर्ट करता है, ऑडियो के अंदर MP3 को सपोर्ट करता है, और हमें HD पिक्चर्स देखने में हेल्प करता है। और उसके बाद ये जो आप चिप देख रहे हैं ये जो है वो हमारे EPROM की चिप है, यहाँ हमारा पूरा प्रोग्राम स्टोर होता है कि किस तरह से पूरी कंट्रोलिंग करनी है। फिर उसके बाद ये IC जो देख रहे हैं आप, ये मोटर ड्राइवर कंट्रोल IC है, ये हमारी जो दो मोटर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। जब हम हमारी जो डिस्क है जो उसको रीड कर रहे हैं तब ये दो मोटर जो होती है
उसको सिंक्रोनाइज करने में काम में आती है वो ये आईसी है। ये जो आप आईसी देख रहे हो वो ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग आईसी है PM S3024, जो हमारा जो बाइनरी डेटा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा जो टेलीविजन होता है वो डिजिटल सिग्नल नहीं समझता, उसको एनालॉग सिग्नल देना पड़ता है। और जो हमारा ये सिग्नल यहाँ आता है उसके बाद ये जो आप आईसी देख रहे हो वो एक ऑपएम है। तो हमारा जो डिजिटली पूरा डिजिटली सिग्नल हमारा जो एनालॉग होने के बाद आता है वो काफ़ी वीक होता है, तो वो हम टेलीविजन में नहीं दे सकते, बहुत वीक सिग्नल होता है। इसके लिए यहाँ पर हम एक ओपेम यूज़ करते हैं जो हमारा सिग्नल को जो होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ से आउटपुट आने के बाद ये पोर्ट्स के थ्रू यहाँ आउटपुट आ जाता है ऑडियो वीडियो का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक डीवीडी प्लेयर वर्क करता है और उसके अंदर कौन कौन सी सर्किटरी होती है। तो अगली बार जब भी डीवीडी प्लेयर यूज करो तो उसको याद करना कि इसके अंदर कैसे कैसे वर्किंग होता है।